आउट है, आउट है, आउट है। पढ़ रहे बालक पढ़ रहे भाई। आओ चलो। एम्पायर उठ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। नहीं होंगे तो महादेव सबको बढ़िया कर देंगे। तो गाइस, आज का वीडियो काफी लेट स्टार्ट, लेट तो नहीं मतलब दिन के बजे हैं 12 बजे स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मेरा था एग्जाम 9 से 11 मेरा रिव्यू ही था। और आज मेरे 2 एग्ज़ाम होने थे, 2 तो हुए नहीं क्योंकि कॉलेज में कुछ फंक्शन वगैरह है, तो मेरा एक एग्ज़ाम कल के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे या हंस कर जाओगे, इस बात की गारंटी है। हेलो गाइस, आफ्टर 7 मंथ्स दोबारा से जिम में अंदर वापसी अपने साले साहब के साथ। सो आज करते हैं शोल्डर वर्कआउट, शोल्डर एंड ट्रैप्स। सो कुछ वर्कआउट ये पहले ही कर चुके हैं, कुछ फिनिश अब मूव वगैरह करने की कोशिश करें। चलो लेट्स गो, देखते हैं मुझे जीवित छोड़ते हैं या नहीं। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। नो मर्सी। हां भाई, लेके जाओ ऊपर और धीरे धीरे लेके आ, कम से कम 3 सेकंड में नीचे लेके आ। बस अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनके साथ ट्रेनिंग करने का मतलब है बस अपनी जान की वाट लगा देना और अपनी वहाँ की भी वाट लगा देना। कुछ आइसोलेशन मोमेंट में आपको बताता हूँ, जो कि आपकी शोल्डर ग्रोथ में बहुत ज्यादा गर्म है। इसमें आपको क्या करना है, स्विंग नहीं लेना, आप फ्रंट रेस करते हैं, ज़िगज़ैग ट्रॉट के साथ भी फ्रंट रेस कर सकते हैं। आप वो कैसे कर सकते हैं, जस्ट अपना शोल्डर ब्रेक, कोई भी एक्सरसाइज हो सबसे जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको शोल्डर ब्रेक्स अपने इंटैक्ट रखने हैं, चेस्ट अप रखना है, कमर एकदम टाइट है। तो इससे होगा क्या कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो भी सुधरेगा, दूसरा आपके बीच में जितने भी आप इंजरीज वगैरह होती हैं उनसे बचेंगे। आप हल्के वे से स्टार्ट करिए, क्योंकि शोल्डर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि अगर आपके स्कैपुला ने कोई भी जॉइंट छोड़ा आप गए, आपको शोल्डर इंजरी होना बहुत लाजमी है कि आपको शोल्डर इंजरी होगी और आप कोई भी एक्सरसाइज बहुत लंबे टाइम तक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शोल्डर एक बार डिसलोकेट हो जाता है तो उसको क्योर होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी एक वर्कआउट स्टार्ट करें, ठीक से वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद ही वेट छोड़ दें। We'll be right back.
कर ही लिया है तो इस एक्सरसाइज के बारे में क्या है आपका साइड से जब आप 3D बेल्ट्स देखना चाहते हैं उस 3D बेल्ट को अचीव करने में तो उसमें आप साइड लेटरल्स करते हो फ्रंट लेटरल्स करेंगे साइड लेटरल्स आपकी एक्सरसाइज में 2-3 वेरिएशन और ऐड करेंगे तो आपको जो बेल्ट है बेल्ट के जो तीनों हेड्स होते हैं वो तीनों डेवलप हो जाएंगे।